दरअसल कल ही सरकार ने जो सहकारी बैंक भर्ती घोटाला था उसमें 12 सहयोगी गार्ड की जो भर्ती हुई थी उसमें 12 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। ये सिर्फ और सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने वाला जैसा है। हमारा कहना है कि सरकार को ये ठीक है, सरकार इसमें खुश हो सकती है कि हमने 12 लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बाहर कर दिया और ये होने भी चाहिए थे। लेकिन जनसंघर्ष मोर्चा का इसमें कहना है कि जो बेलवाल समिति की जो रिपोर्ट है उसको सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या दिक्कत है, पहली बात। दूसरा ये है कि जो इसमें बहुत व्यापक पैमाने पे जो लेन देन हुआ था, जनसंघर्ष मोर्चा ने इस पर आपत्ति जताई थी कि और हमने कहा भी था कि जो बैंक खातों से लेन देन हुआ है उन जिन लोगों ने नौकरी पाई है जो उनके रिश्तेदार उनके खातों का मैच क्यों नहीं किया गया, वो 12-12, 15-15 लाख रुपये एक पोस्ट के लिए दिए गए हैं और सारा का सारा एक एविडेंस है, एक प्रूफ है बहुत बड़ा कि उनकी अगर ये जांच कर ले तो निश्चित तौर पे जो और लोग हैं जिनकी ऊंची पहुंच थी और जिन्होंने पैसे देकर के नियुक्तियां पाई थी वो भी रद्द होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने इसमें कोई गंभीर कदम नहीं उठाया और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के निर्देश पर ऑनरेबल हाईकोर्ट की आंखों में धूल झोंकने के लिए अभी 25 तारीख को इसमें सुनवाई होनी है, जून में 25 को, तो सरकार ने आनंद फानंद ने 10-12 लोगों को बाहर कर दिया कि वहां जाकर के बताएंगे कि हमने इसमें कार्रवाई की। हमारा कहना है कि सदन के पटल पे आना चाहिए बेलवाल समिति की जो जांच रिपोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अप्रैल 2022 में उसकी पटल पे रखी जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर वो जांच रिपोर्ट पटल पे आ जाती है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। ये सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने का काम है। इससे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार लगातार 2 साल से लगातार कभी जांच के नाम पे जांच पे जांच फिर जांच पे जांच फिर परामर्श ले रहे इस तरह करके जनता को गुमराह करने का काम करें। और ये सहकारिता विभाग जो है निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा घोटाले का अड्डा बन चुका है। इसकी पूरी की पूरी हम राजभवन से भी मांग करते हैं, अपनी मूर्छा छोड़ दें, बेसुध पड़ा है राजभवन, वो इस पर संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई करें।